मसला अब ज्यादा लीगल से ज्यादा इखलाकी जी और सियासी बुनियादों पर हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपने डॉक्टर्स को यह सजेस्ट किया, आज कल जो कमेटी में मुजाकरा थे, ये सजेस्ट किया आपकी तरफ से कि हम बॉन्ड दे देते हैं? क्योंकि आपका मसला यह है कि हम 4 महीने बाद, 4 हफ्ते बाद वापस ना आए तो फिर क्या होगा, फिर आप हमारे पैसे जब्त कर लेंगे, जो कि समझ में आती है बात। सो उसको कंडीशन लगा लेते कि हम आपको हर हफ्ते रिपोर्ट भेजेंगे डॉक्टर्स की, अगर डॉक्टर आपको, अगर डॉक्टर हमें क्लियर कर देगा हम वापस आ जाएंगे, नहीं क्लियर करेगा तो डॉक्टर आप हमें एक्सटेंड कर दीजिएगा। एग्जैक्टली, जो हमारी दोनों अपील इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, तो वो 7 बिलियन की लाइबिलिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स नॉट अ लाइबिलिटी, ना बॉन्ड है ना, इंडेमनिटी बॉन्ड है। जो उस वक्त आपके लिए पहली प्रायोरिटी 7 अरब रुपए के बॉन्ड्स, कानूनी फैसले, कानून और आइन क्या कहता है वो है, या मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत है? ये 4-5 दिन शटल कॉक बनाए रखा इस मामले को, इस एक ऐसे शख्स के बारे में जिसकी हेल्थ क्रिटिकल है, उसकी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है, और उनके अपने मेडिकल बोर्ड कह रहे हैं कि जी इलाज नहीं है। तारर साहब, उन्होंने वो शटल कॉक आपके कोर्ट में फेंक दी, उन्हें कहा इतने पैसे दे चले जाएं। लीगल ऑप्शंस हैं, हम देखेंगे हमने क्या वे करना है। सो मियां साहब की सेहत इंतजार करेगी चंद और दिन लीगल ऑप्शंस का? देखिए उस पे तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा ना जी, यही तो फैसला करना है आपने कि मियां साहब की सेहत के लिए क्या मजीद दिन जाया हो सकते हैं। हमारे पास लीगल ऑप्शंस ओपन है, हम अपने लीगल राइट एक्सरसाइज करेंगे। अदालत जा रहे इस पे भी हमारी मशावरत जारी है, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द। इसके अलावा तो कोई लीगल ऑप्शन नहीं तारड़ साहब? सॉरी, इसके अलावा तो कोई लीगल ऑप्शन नहीं क्या? इसके अलावा कोई लीगल ऑप्शन नहीं है, इस पर भी हमारी मशावरत जारी है, बट उसमें भी काफी कुछ डिसाइड होने वाला है, तो जैसे ही इस पर कोई होगा आपको अपडेट सर। लेकिन मुझे एक बार बताएं, मैं ऑनेस्टली समझना चाह रहा हूँ, चले हुकूमत ने गलत किया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंसानी बुनियादों पर बगैर शराइत के जाने देना चाह रहा हूँ, उन्होंने गलत किया, आपने ये फैसला भी नहीं किया अदालत जाना है, आपने ये फैसला भी नहीं किया पैसे देने हैं, बल्कि आप अड़ गए कि पैसे नहीं देंगे। 2 दिन आपने 48 घंटे इसमें जाया कर दिए। हमें बताया जा रहा था एयर एम्बुलेंस खड़ी है, मियां साहब की हालत क्रिटिकल है, उनका बाहर जाना बहुत जरूरी है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, मुझे समझाएं तो सही।